हाय तो बड़ी खुशी दिखा ले, कदों आ रहे हैं मुंडे वाले? शाम को। साथ में एक बुरी खबर भी है, सानिया के अब्बा ने उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया है। हाँ, वो क्यों नहीं बैठेगा? अम्मा की मर्जी शामिल नहीं है ना रिश्ते में। सो एक ही कल हुई, इसीलिए ना मैं आपके पास आई हूँ। मेरे साथ कोई बैठे ना बैठे, पर आप जरूर बैठना उनके सामने। हाय अभी कोई कहंदी गल है? तो फिर है ना जी, आप मुझसे पक्का वादा करो कि इस घर में कोई झगड़ा फसाद हुआ ना तो आप सिर्फ मेरा साथ दोगी। तू फिकर ही ना कर, पर ऐ दस कि झगड़ा होवेगा क्यों? लो अम्मा जी ने अपनी मर्जी के खिलाफ आज तक कुछ होने दिया जो अब होगा? वो तू फिकर ही ना कर, असी देख लेंगे। बस है ना जी, आपको कसम है ये रिश्ता ना बड़ा अच्छा है, शरीफ लड़का है, अच्छे घर का, हाथ से नहीं जाना चाहिए। बस यह तो आकर कि जो कुछ भी होवे ना साडे हक च बेहतर होवे। तू जो ही फैसला करेंगी मैं तेरे नाल करना कर। अल्लाह खैर कर, मैं तैयारी करांगी सारी, चाचू की बंदोबस्त करे तो फिक्र ना कर। मैंने जारा को सच सच बता तो दिया है, लेकिन अगर उसने मेरे राज किसी को बता दिया तो क्या होगा? मुझे ज़ारा पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, उस पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सानिया बाजी, क्या बोलो? क्या हुआ, कुछ परेशान सी लग रही हैं आप? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैंने कौन से तुम लोगों के पासपोर्ट चुराए जो मैं परेशान होने लगी? इसमें पासपोर्ट की बात कहाँ से आ गई, मैं तो किसी और वजह से पूछ रहा था। किस वजह से? अभी सुनकर आ रहा हूँ, सादिया मामी ने आज शाम को किसी रिश्ते वाले को बुलाया है। हैं? आपको नहीं पता? नहीं मुझे तो नहीं पता। लो भाई अब क्या करेंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी सर पे आ जाती है। आपकी अम्मी आपकी शादी में आपकी मर्जी नहीं पूछेंगी? पूछनी तो चाहिए उन्हें। तो फिर मसला क्या है? नहीं पूछेंगी। ये क्या बात हुई, ये तो आपका बेसिक राइट है। अगर आपको बाद में लड़का पसंद नहीं आया है तो? ये तो सोचकर मुझे टेंशन हो रही है, और तुम मेरी टेंशन में और इजाफा कर रहे हो। टेंशन लेकर आज तक इस दुनिया में किसी ने कोई मसला हल नहीं किया। तो क्या करूं मैं? एक्शन लें, अपने राइट के लिए कुछ बोलें। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूं मैं? तो बंटी फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। यस। जान मेरे फेस पे ना रिंकल्स पड़ गई हैं। ए बे पुत्र है, फटकार नू अंग्रेजी च रिंकल कहंदे? अम्मा जान मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलती। हाँ है, ले दसा मैं तो मजाक करनी पई सी। ए देखना मैं तेरी मां है, हुण इन्ना ते हक है ना कि मजाक कर लवा तेरे नाल थोड़ा जिहा। नाले मैनू की पता कि रिंकल ट्विंकल की होंदा है। अम्मजान रिंकल्स मतलब झुरियां। हाँ ते छाइयां ते पैनियां है ना बेवकूफे, सारा दिन ते तू कमरा बंद करके बैठी रोंदी रहनी है। चल की हो गया, जो होना सी हो गया, हुण रोण नाल या टसवे बहाण नाल की फायदा? अम्मजान जो जलालत इस घर में मेरे साथ हुई है ना, किसी के साथ भी होती ना तो उसकी यही सिचुएशन रिंकल्स वाली होती, मेरी हो गई है। मॉम एक बात तो तय, अब कुछ महीने हमें रहना तो यहीं पड़ेगा, तो मूड ऑफ करने से या उदास होने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। हाँ देखिया,
मुंडे ने 16 आने गल ठीक की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा पुत्र, आजा बे। मैंने कहीं यहाँ पे वो डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ना ना बिल्कुल भी नहीं। मैं ते तेरी बेबी पुफो नू कह रही सी कि बस जो होना सी हो गया, हसिया खेलिया कर, की फायदा रोन दा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। ये उदासी ना आप पे बिल्कुल सूट नहीं करती। आओ ते और की भाई, मैनू ते अपनी अंग्रेजी टूटी फूटी जड़ी बोलदी है ना मेरी थी, वो ही चंगी लगती। मैं तो पता क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इब्बी की शादी करा दें। इस तरीके से ये जो 4-5 महीने ना, ये हंसी खुशी निकल जाएंगे नाचते गाते हुए और पता भी नहीं चलेगा। और देखिए ना, जब आप लोग वापस जाएंगे तो इब्बी की दुल्हन को भी अपने साथ ही ले जाएगा, क्या ख्याल है? आहो ए गल कीती है सोलान ने भाई, ये तो बहुत चंगी गल है। हैं? आहे एनु क्यों है?